आसमगढ़ में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के हित लाभ वितरण के साथ रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। विकासखंड मार्टिनगंज परिसर में आयोजित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ने कामगारों और मजदूरों का खास ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस बजट में काफी कुछ दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूरा होने से पहले हमने 1,00,000 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। सरकार ने एक वर्ष भी पूरा नहीं किया है और 1,00,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को हमने प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्रों में सेवायोजित किया है और 2,50,000 से भी ज्यादा बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग भी की है। हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मैन पावर है, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जिस युवा शक्ति की चर्चा पूज्य प्रधानमंत्री जी भी किया करते हैं, यूरोप कंट्री से, हमारे जापान, गल्फ कंट्रियों से तमाम डिमांड आ रही है और बहुत से बेरोजगार नौजवान वहां भी जाना चाहते हैं। खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में जिन नौजवानों ने तैयारी किया है, हुनर प्राप्त किया है, उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर कौशल है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने बाहर भेजने का भी, ऐसे बेरोजगार नौजवानों के सामने विकल्प हम लोगों ने रखा है।